और विभिन्न प्रकार के चट्टानों के बारे में जानेंगे। पृथ्वी अनेक परतों से बनी हुई है, प्रत्येक परत के भिन्न भिन्न घटक है। तो पहला है अपना मिट्टी, ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मिट्टी। ये है सबसे ऊपरी परत, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? मिट्टी कहेंगे। ये दूसरी परत होगी, ये तीसरी और ये चौथी परत है। तो मिट्टी की सबसे ऊपरी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलेंगे बेटा? हमें मिट्टी बोलेंगे, ठीक है। पृथ्वी को मुट्ठी भर खोदो तथा मिट्टी को अपने हाथ में लेकर महसूस करो। आपको ज्ञात होगा कि इसमें कुछ चिपचिपे कीचड़ तथा कुछ कंकड़ है। सामान्यतः मिट्टी वायु जल खनिजों का मिश्रण है तथा इसमें कुछ छोटे जंतु जैसे केंचुए आदि भी उपस्थित है। मिट्टी की परतों को जानने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। जल से भरा एक गिलास लेते हैं, मैंने एक गिलास लिया जल से भरा हुआ, इसमें बगीचे की कुछ मिट्टी डालिए। इसमें मिट्टी डालेंगे, उसके बाद इसे अच्छे से मिला देंगे, उसको चम्मच से बगीचे की मिट्टी डाल दी, इसके बाद में चम्मच से हम इसे अच्छे से घोल देंगे। घोलने के बाद ये ऐसा हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद इसकी चार परत बन जाएगी, जैसे ये वाली है वैसे बन जाएगी। ये ऊपर वाली सबसे ऊपरी परत है, उसके बाद ये दूसरी परत, तीसरी परत और ये चौथी परत। तो ऊपरी परत के बारे में देखो, ऊपरी परत हल्की मिट्टी होती है, ये जो ऊपर वाली परत है ये हल्की मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी, ठीक है। इसके बाद में पौधे इसी मिट्टी में वृद्धि करते हैं, इसमें ह्यूमस होता है तथा इसके कण तैरने वाले होते हैं। अब दूसरी परत के बारे में देखेंगे बेटा, दूसरी परत में मिट्टी के अच्छे कण होते हैं, यह जल को कीचड़ नुमा रूप देती है। इसके बाद बेटा तीसरी परत, ये अपनी तीसरी परत में रेत के अच्छे कण होते हैं जो चिकने कणों से बड़े होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? रेत के अच्छे कण होते हैं जो चिकने कणों से क्या होते हैं? थोड़े बड़े होते हैं। चौथी परत में क्या होगा बेटा? छोटे पत्थर कंकड़ और चट्टानों के कण होते हैं। ये हमने पढ़ा मिट्टी के बारे में। अब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है वो देखो। मिट्टी के निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। सूर्य की ऊष्मा चट्टानों में दरार बनाती है। जब तेज वर्षा होती है तो वर्षा की बड़ी बूंदें चट्टानों पर तेजी से प्रहार करके अपने साथ बहाकर ले जाती है। चट्टानें छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ये छोटे टुकड़े तब तक टूटते रहते हैं जब तक चूर्णीय पदार्थों का ढेर नहीं बन जाता। इस ढेर में चट्टानों के टुकड़े, संजीव तथा निर्जीव खनिज, वायु तथा जल उपस्थित होते हैं। मिट्टी में ह्यूमस भी होता है। जब पौधे तथा जंतु मर जाते हैं तो ये अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं तथा पौधे ह्यूमस में अच्छी प्रकार से वृद्धि करते हैं। इसके बाद है मिट्टी के प्रकार। विभिन्न स्थानों पर पाई जाने वाली मिट्टी भिन्न भिन्न रंगों तथा रूपों की होती है। मिट्टी के चार प्रकार हैं। मिट्टी के चार प्रकार लिख लेते हैं हमने। नंबर एक है बजरी मिट्टी, नंबर दो है रेतीली मिट्टी, नंबर तीन आ जाएगा बेटा चिकनी मिट्टी, और नंबर चार दोमट मिट्टी, ठीक है। तो बेटा मिट्टी के चार प्रकार थे, ठीक है। तो पहले है बजरी मिट्टी। बजरी मिट्टी के बारे में सुनो, यह चट्टानों तथा पत्थरों के छोटे टुकड़ों से बनी होती है। बजरी मिट्टी किससे बनी होती है?
अच्छे प्रकार से वृद्धि करते हैं। ठीक है, दोमट मिट्टी में ना पौधे अच्छी प्रकार से वृद्धि करते हैं। उसके बाद मिट्टी की आवश्यकता, पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी बहुत जरूरी है। पौधे की वृद्धि करने के लिए मिट्टी बहुत जरूरी है। यह उन्हें जल तथा खनिज लवण प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार की फसलें भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती है। मिट्टियों